हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा रविवार को सोनीपत में हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया के अतिरिक्त कांग्रेस के विधायक भी मौजूद रहे। कांग्रेस प्रभारी ने सिटिंग MLA को नसीहत भी दी कि यदि टिकट चाहिए तो जाना होगा जनता के बीच में। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी भाजपा के मौजूदा CM नायब सिंह सैनी से सवाल किया कि वह जनता को यह जरूर बताएं कि हरियाणा में उन्होंने अब तक क्या विकास कार्य किया है, क्योंकि भाजपा की करनी जनता के सामने आ चुकी है और आने वाला समय हरियाणा में कांग्रेस का रहने वाला है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में अब ऐसे हालात बन रहे हैं कि अस्पताल में डॉक्टर नहीं, स्कूल में मास्टर नहीं और कार्यालय में कर्मचारी नहीं। 2 लाख मंजूर पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं, लेकिन उनको भरने के प्रति दिलचस्पी नहीं है। केवल पोर्टल और कौशल रोजगार निगम चल रहा है। आपके क्या कार्य है, किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे? देखिए, जो लोकसभा का नतीजा आया है वो संकेत है साफ कि लोग छत्तीसगढ़ी मन बना चुके हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बना चाहिए। 19 में जैसे आपने देखा, 19 के लोकसभा के चुनाव हुए थे तो हमारे कांग्रेस सिर्फ 90 में से 10 जगह लीड की थी और 79 में करा था BJP ने और 1 में किया था JJP ने। अब कहाँ BJP, तो फिर जहाँ 79 में लीड कर रहे थे असेंबली में तो 40 पे रह गए। अब कुल 44 पे लीड किया उन्होंने तो कितने पे रह जाएंगे, प्रपोजल लगा लो, वही आना बीजेपी का रिजल्ट। क्योंकि जो ये कह रहे थे कि अपनी अचीवमेंट, वही हम पूछ रहे हैं, तुम ये धर्म धर्मार्थ जात पात को छोड़ो, तुम अपने अचीवमेंट बताओ, तुमने क्या किया है? 1 यूनिट बिजली पैदा की है, 1 इंच 1 नया मेट्रो पोल लगाया है मेट्रो के लिए, 1 इंच रेलवे लाइन बिछाई है, 1 कोई बड़ी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट लेके आए हैं। हमारे कांग्रेस के समय में पंचकुला से लेकर और गुड़गांव और कोई भी लगा लो या सोनीपत में, तो हमारे जो है इंस्टीट्यूशन आए जो शिक्षा का हब बनाने का काम किया था, इन्होंने स्कूल बंद करने का काम किया है। मेरा आप सवाल जितने मर्जी पूछो, आप हमारे साथी हो, तुम्हारे से भी मैं एक सवाल पूछता हूँ, तुम बता दो 10 साल में भी सोनीपत में कुछ होया हो तो बता दो, ये बता दो तुम बता दो, तुम्हारे से सीधा सवाल है मेरा, तो मैं मान जाऊँ। जब हुआ ही कुछ नहीं है, कानून व्यवस्था क्या थी, आज क्या है? हमारे समय में कानून व्यवस्था अच्छी थी, विश्वास थे, प्रति व्यक्ति आए, प्रति व्यक्ति निवेश में हरियाणा नंबर 1 था, खेल खिलाड़ी में नंबर 1 था, कानून व्यवस्था में नंबर 1 था, नौकरी देने में था। इन्होंने ये चला दिया क्या नाम कौशल रोजगार निगम, 2 लाख जो है सैंक्शन पोस्ट खाली पड़ी है। आज हरियाणा में परिस्थिति कर दी ऐसी कि अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं। फिर सरकार का क्या काम भाई? बस पोर्टल 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 चलते नहीं। मैंने तो असेंबली में ही कहा था कि पोर्टल, अब कह रहे हैं पोर्टल में तरमीम कर रहे हैं, इतनी गलतियां थी। भाई अगर पोर्टल है तो पोर्टल के नाम से, पोर्टल से वोट मांग लो, पोर्टल के नाम से वोट मांग लो विधानसभा में। तो ये विफल सरकार है, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है, कोई भी एक ऐसा नहीं है इन्होंने कोई पैरामीटर अचीव किया हो, इस वास्ते लोग मन बना चाहिए। बाकी देख लेंगे लोग, गुरु चेला आज आया था कई नेताओं का स्टेटमेंट, अरे बदली भी दिल्ली से होती है हरियाणा की। जो मौजूदा विधायकों का ध्यान भटकाने के प्रयास करते हैं, लोगों का ध्यान भटकेगा नहीं, छत्तीस बरादरी मन बना चुकी है। सीटिंग का फॉर्मूला है वो क्या? सीटिंग गेटिंग का कोई फॉर्मूला नहीं होता, कैंडिडेट की उम्मीदवारी देखी जाती है, सशक्त उम्मीदवारों को देंगे जो जीतने वाले होंगे। बीजेपी जो है ना कांग्रेस के 50% तो झूठे प्रचार का आरोप लगा, जात पात कौन फैला रहा? हम तो कांग्रेस कोई कभी भी नहीं जात पात की राजनीति करती कांग्रेस, तो ये कर रहे हैं। आज नायब सिंह सैनी जी ने कहा कि जब तक हमारा 10 साल का कार्यकाल पूरा होगा तब तक हम 1.5 लाख नौकरियां दे चुके हैं। अब तक क्या कर रहे थे? इसमें कौशल रोजगार निगम में जिसकी ना मेरिट है, ना रिजर्वेशन है, ना कोई पेंशन है, ना पक्की है, लोग यहाँ हरियाणा के युवाओं का
भविष्य अंधकार में डाला उन्होंने, उनसे खिलवाड़ की जा रही है। ऐसा है, हमारे घोषणा पत्र आप देखो, 2005 का देखो, 2009 का देखो, और हमारी सरकार के द्वारा एक निकाल दो, ये नहीं पूरा किया, और इनका कोई पूरा किया हो तो बताओ, इनने कौन सा किया है? ये तो ये गठबंधन सरकार बनी थी क्या, किस लिए? कोई नीतियों के आधार पर थोड़ा ही थी, लूट के आधार पर थी, भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं इन्होंने पार कर दी, घोटाले के बाद घोटाला, घोटाले के बाद घोटाला, आज क्या बात कहेंगे? कोई अचीवमेंट बताए ना, ये लोग के कुछ कहे, लोग इस बात को समझ चुके हैं, इनके झूठी घोषणाओं में कोई ये नहीं है, और ये एक्सपोज हो चुके हैं लोगों में, इनसे छुटकारा लोग कराएंगे। सर सर्वे निवेदन करूंगा कि आप आने वाले दिनों में जब भी ये राउंड ले, उसको पता नहीं है कि किस प्रकार से दिव्यांशु और उनके साथियों ने किया है, मगर 200 बूथ है हर हल्के में, और एवरेज 10 कैंडिडेट है, एवरेज एक जिला पंचायत पकड़ लो, जिला परिषद की सीट पकड़ लो, 20-25 बूथ होते हैं, या तो एक हमारा मंडलम जो हम आइडेंटिफाई कर दिया है उसकी भी 20-25 बूथ होते हैं, वो जो है इतने बूथ की जिम्मेदारी एक एक कैंडिडेट को जो प्रत्याशी बनना चाहते हैं उसको दे दे, मगर उसमें डिसिप्लिन विल रिमेन सर्वोपरि रहेगा। आपका इंचार्ज कहता है कि आपको यहाँ जाना है तो जाना है, फेंक के चले गए, बस्ता फेंक के चले गए, अरे मैं तो बड़ा आदमी, मैं थोड़ा ये कर सकता हूँ, मैं तो सिटिंग एमएलए, मैं थोड़ा कर सकता हूँ। उस सिटिंग एमएलए को भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप भी लाइन में ही खड़े हैं, ऐसा मत समझना कि आप कोई अधिकार लेके आए हुए कि जिसकी वजह से आप सबसे कनेक्ट होना है, सबसे पेशेंट है, मैं बड़ा हूं तो सबसे ज्यादा जुटता है। उसको बड़ा ताजुब हो रहा था कल कोई जगह से मैंने सुना कि हमारा कैंडिडेट कहता था कि मैं तो बहुत बड़ा, मैं इसी प्रकार से थोड़ा शहरियों में जाऊंगा। अरे आज की डेट में आप शहरियों के बीच में नहीं जाते, लोगों के बीच में नहीं जाते हैं, तो विधायक बनने के बाद आप क्या करोगे? तो ये जो है, ये बाकी के जो समाज है, कांग्रेस का 36 बिरादरी का जो कंसेप्ट है, कांग्रेस की जो विचारधारा है, आपके पूर्व के 10 साल के भगड़ा जी के और उसके पहले के भी चीफ मिनिस्टरों के उसके जो कार्यकाल रहा, उसमें हरियाणा में एक बड़ा अच्छा नैरेटिव बना हुआ था कि कांग्रेस जो है वो 36 बिरादरी को रिप्रेजेंट करती है, उसको फिर से हमको बड़ी ताकत से पुनः स्थापित करना है, तो आपका आपका व्यवहार के पर भी जो है जरूर से सोचना है, सतर्क रहना है, वो मैं आप सबसे जरूर से निवेदन करूंगा। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।